ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में गीत बजा है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। सचमुच भोलानाथ परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो तीन रूप से हमारी बिगड़ी को बनाते। कौन से तीन रूप से हमारी बिगड़ी को बनाते हैं? बाप के रूप में हमें वर्षा दे करके हमारी बिगड़ी को बनाते हैं और उस वर्षे को प्राप्त करने के लिए लायक बनाते हैं। साथ ही साथ शिक्षक के रूप में हमें पढ़ाई पढ़ा करके लायक बनाते हैं, अर्थात हमारी बिगड़ी को बनाते हैं। और सतगुरु के रूप में श्रेष्ठ श्रीमत दे करके हम सब बच्चों को लायक बना करके नई दुनिया में गति सदगति में जाने के योग्य बनाते हैं। तो तीनों रूप से बाबा हमारी बिगड़ी को बनाते हैं। आज बाबा ने पुनः मुरली के अंदर आत्मा के लेसन को पक्का कराया है। बाबा कहे जब ओम शांति कहते हो तो बच्चे समझते हैं कि ओम माना अहम आत्मा और हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है और इस स्वधर्म में स्थित होते हुए आत्मा की वास्तविकता में या आत्मनिश्चय करके हम सभी आत्म अभिमानी बनते जाते हैं। कर्म करते समय देही अभिमानी बनते जाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो, तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। आज की मुरली का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूं। तो आत्मा का लेसन पुनः पक्का करा रहे हैं बाबा। आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूं, आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। कई लोग कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना, मेरी आत्मा पापात्मा है व मेरी आत्मा पुण्यात्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी, क्या कहेगी,
मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, सतो प्रधान को सोना कहा जाता। सोना एक्चुअल में आत्मा है नहीं, एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, सोना थी भावार्थ है कि हमारी आत्मा इतनी पवित्र थी, गोल्डन एजेड थी, अभी तो कहते हैं इम्प्योर हो। दुनिया वाले ये नहीं जानते, तुमको तो श्रीमत मिलती है। तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है, हर एक चीज सतो प्रधान से सतो रजो तमो में और तमो प्रधानता में जरूर आती है। बाल युवा वृद्ध हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एजेड सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजेड है, तब ही दुखी है। तभी तो बाबा कहे दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। तब तो बाबा को आना पड़ता है ऐसी बिगड़ी को बनाने के लिए। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले, पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशियस वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एजेड है, ये तो जरूर है कि इस समय कहेंगे कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, क्या लिखा है गीता में? भगवान वाच, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा, रुद्र जयंती या रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिव जयंती शिवरात्रि कहते, शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है, अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ, यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए, श्री कृष्ण ने जन्म लिया उनको तो 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते हैं, कौन? क्रिश्चियंस भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, वह देवता धर्म सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ, न कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है लीप धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती है, संगम की आयु
थोड़ी रहती है। तो सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता, मेरी पालना नहीं होती। सत्युग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं, रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है, पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं, वहां की वहां रही। यहां भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, एक दो पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सत्युग में विष है नहीं तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है, उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। ऐसे राम राज्य की स्थापना बाप फिर से कर रहे हैं, संगम पर ही स्थापना होगी। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। धर्म स्थापन करने आई आत्मा भी उस तन में प्रवेश करती जो कोई पाप कर्म नहीं करती। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनती है। तुम सत्युग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल नहीं सकती। बाबा कहे क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई तो उनको कोई सजा मिल ना सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है, इसलिए वो दुख दर्द क्राइस्ट की आत्मा नहीं भोगती है। वो दुख की भोगना जीसस की आत्मा भोगती है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, जैसे इसमें बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, जो कील टूके वो क्राइस्ट को दुख नहीं होता है, लेकिन जिस शरीर में उसने प्रवेश किया वो जीसस के शरीर को दुख होता है, उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख भोग नहीं सकती। बाबा कहे क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े। द्वापर के बाद भी जो आत्माएं नीचे उतरती है नई नई, सतो प्रधान होने कारण वो पहले तो सुख भोगती है, दुख भोग नहीं सकती। लॉ नहीं कहता, ये ड्रामा का लॉ नहीं है। जो सतो प्रधान आत्मा ऊपर से उतरे और वो तुरंत दुख भोगना शुरू करे, नहीं, ये लॉ नहीं कहता, ये
इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको यानी दादा को होती है, न कि शिव बाबा। परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई को भी पता नहीं है। यह सब राज बाबा, ये एक एक बात का राज बता रहे हैं। सतो प्रधान आत्मा के लिए कायदा क्या है, ब्रह्मांड का नियम क्या है, वो बता रहे हैं। तो बाबा कहे ये सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे। फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। वाम मार्ग यानी विकृत मार्ग पर जैसे आ जाते द्वापर युग से, तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके कि परमात्मा जहां आकर के पढ़ाते हो। ऐसा बाबा कहे, सारे वर्ल्ड में और कोई जगह हो ना सके जहां ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सोवेरनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। अर्थात ये नई दुनिया का जो देवताई साम्राज्य है, ये हमारा परमात्मा के द्वारा दिया गया जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। धीरे धीरे जैसे जैसे आवाज फैलेगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। सन्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। हर एक अपने अपने स्थान पर बैठ करके ये समझते हैं। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी, जो शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा, वह मुरली लिखत द्वारा आएगी। और सत्संगों में ऐसा थोड़ी समझेंगे। आजकल एक मशीन भी निकली है, इसलिए भर कर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। दुनिया में कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, यहां तो वह बात है नहीं। यहां क्या समझते? परमात्मा मुरली सुना। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। तो बाबा आकर लायक बना करके ये वर्षा हमें संगम पर देते हैं, नॉलेज का, पीस का, ब्लिस का। उनमें जो गुण है वह बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं।
गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता, महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे, वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता था, उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक है। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पापात्मा कहा जाता है। सत्युग में पापात्मा नहीं होते, वहां है पुण्यात्मा। सत्युग में पापात्मा नहीं होते, वहां है पुण्यात्माएं, वह है प्रालब्ध, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं। तो टीचर बनकर लायक बनाते हैं योग सिखाते हुए, परंतु अर्थ तो नहीं समझते कि योग अर्थात याद, जिससे भी कर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से नंगे अर्थात अशरीरी आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। यह भी समझाया है माया पांच विकारों को कहा जाता है। यह पांच भूत है, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर वन है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सत्युग में यह विकार होते नहीं, उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना, ये तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सत्युग में है ही वाइसलेस दुनिया। बाप कहते हैं अब तुमको विशेष से वाइसलेस बनना है। कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे, ये कसम उठाते हैं। झूठा। बाबा क्या कहते, ये कसम उठाते हैं, झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं, वो कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है, दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते। बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, किसकी, ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो, मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है, यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूं पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने, फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं,
फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब है, बाकी पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाएंगे। अभी तो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं, कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्र में कोई ने गपोड़ा लगा दिया, 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है, यह अंत का जन्म है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है, झूठा वायदा नहीं करना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसीलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभवी न हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, अशरीरी ही वायरलेस सेट है। वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।